शहर में जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, इसी तेजी से ब्लड और प्लाज्मा की कमी हो रही है। शहर के सभी ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी दिखाई दे रही है, जिससे सामान्य मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर शहर में जिस तरह कोरोना का कहर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा शहर डर के साए में है, मगर कोरोना के साथ ही शहर के मेडिकल क्षेत्र में एक और समस्या उजागर हुई है, वो है ब्लड और प्लाज्मा की। जी हाँ, कोरोना के डर से शहर के लोग अब अपना ब्लड देने के लिए तैयार भी नहीं है, जिससे शहर के सभी ब्लड बैंक खाली हो रहे हैं। साथ ही कोरोना पेशेंट बढ़ने से प्लाज्मा की मांग भी बढ़ गई है, मगर इसे देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। इसी पूरी समस्या पर हमारी टीम ने मनपा की ओर से संचालित अर्पण ब्लड के अधिकारी सत्यम सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ब्लड की कमी हो रही है, सामान्य ब्लड मिलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों में डर है कि ब्लड देने से वे कोरोना से पीड़ित हो जाएंगी। आगे उन्होंने बताया कि ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में रेमडेसिविर जैसे ब्लड की कमी शहर में होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना डरे वे ब्लड देने आए। सर, देखा जाए तो अभी जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शंस और कोविड बेड का यहाँ पे हमारे स्टेट में, हमारे नागपुर में जैसा शॉर्टेज है, ठीक उसी तरीके का शॉर्टेज हम लोग अभी ब्लड और कोविड प्लाज्मा के लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि एक सादे बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव जैसे डोनर्स अवेलेबल नहीं हो रहे, और साथ ही साथ कोविड का जो प्लाज्मा होता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज नागपुर में चल रहा है। सर, हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि लोगों की मेंटेलिटी शायद इस चीज़ को लेके सेट नहीं है। लोगों का सोचना ऐसा है कि अगर हम लोग ब्लड डोनेट करते तो शायद हम लोग पॉजिटिव आ जाए, या हम लोग कोविड प्लाज्मा डोनेट करते तो शायद हम लोग वापिस पॉजिटिव आ जाए। तो लोगों को अपनी ये मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है, उनको ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सेफ है, हेल्दी है, इससे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपके बॉडी पर नहीं होगा। मैं लोगों को स्पेशली नागपुर के यूथ और जो लोग कोविड पॉजिटिव थे उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सामने आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोविड प्लाज्मा डोनेट करिए, ब्लड डोनेशन लीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से कैंप्स लेने के लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई है, उसके अनुसार हम लोग कैंप्स ले सकते हैं, कैंप ऑर्गेनाइज करिए। और आप में वो एबिलिटी है कि आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो हमारे हिसाब से आपने वो चीज़ करनी चाहिए। मेरा नाम सत्यम सिंह बैस है, मैं नागपुर अर्पण ब्लड बैंक नागपुर महानगर पालिका में एज अ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। हमारी टीम ने प्लाज्मा देने आए एक डोनर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने जैसा नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन्हें भी कोरोना होकर 28 दिन पूरे हो गए हो, उन्होंने प्लाज्मा देना चाहिए, जिससे किसी एक व्यक्ति की जान बच जाए। नहीं, ये वेरी सेफ प्रोसीजर है, आप कर सकते हो। आपकी एक थोड़ी सी मदद की वजह से किसी की जान बचती है, तो इससे ज़्यादा क्या और बेटर हो सकता है। क्योंकि अभी एज पर करेंट सिनेरियो कंडीशंस अभी कोविड की ऐसी है, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिकॉज मेडिकेशन से प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो रहा है, बट इतना अफेक्ट नहीं हो रहा है। पर अगर कुछ थेरेपीज ऐसी है जिन पेशेंट्स की कंडीशन सीरियस है, तो इसके बेसिस पे आप उसको काफ़ी कम्फर्ट जोन में ला सकते हो, तो होपफुली बेटर है। एंड आई विल सजेस्ट कि सभी लोग आए और डोनेट करें आगे हो के, इसमें कोई ऐसा केस नहीं है कि कोविड का कोई इशू आएगा, और टोटली सेफ है। आप देख सकते हैं पूरा टोटल क्लीन रखा है इन लोगों ने, एंड जैसे मैं यहाँ पर आया, फर्स्ट एंटी सैनिटाइजेशन प्रॉपर है, प्रॉपरली पूरा यहाँ पर उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। एक पेशेंट यहाँ से चेयर से भी उठता तो चेयर को भी सैनिटाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रॉपरली पूरी अरेंजमेंट से रखी है, तो ऑब्वियसली सेफ प्रोसीजर है, तो एनीवन कैन डू इट। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।